माय मिस सोन, आज मैं आपके साथ वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कोरोना के टाइम पे अगर हम बाहर बच्चों को खिलाना रिस्की हो जाता है, तो ऐसा हमने सोचा है कि हम घर में ही ऐसी चीज़ बनाएं जो बच्चों को भी बहुत पसंद आए और बड़ों को भी पसंद आए। तो हमने उसी की शायद रेसिपी जो है मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने 5 से 6 बड़े आलू साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें मैंने मैश कर लिया है। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 शिमला मिर्च भी ली हैं, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है उसे, और मैंने लिया है गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकस करके उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दिया है, क्योंकि गाजर का अपना पानी बहुत होता है। क्योंकि वेज कटलेट में डालेंगे तो वो अपना पानी छोड़ देंगे, जिससे वो बाइंडिंग करनी मुश्किल आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से पानी निकाल दिया है। कटा हुआ धनिया लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। जैसे आप कोई भी डिश वगैरह बनाते हैं तो उसके बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो साइड में जो ब्रेड बच जाती है तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है। उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इसका इस्तेमाल हम बाइंडिंग के लिए करेंगे वेज कटलेट की, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं वेज कटलेट। अब मैं सारी वेजेस इसमें ऐड कर देती हूँ। कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, बाकी आप अगर ज़्यादा नमक तेज़ खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली और डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल दी है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून आपने चाट मसाला दिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देखकर आपने क्या करना है, उसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे ताकि उसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। हमारा ये फाइन डो तैयार हो गया है। मैंने गैस पर तिल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक तिल गर्म हो रहा है तब तक हम कटलेट को तैयार करते हैं। बाइंड कर लेना है अच्छे से इसको, और ऐसे टिक्कियां बना लेंगे। देखिए, इसी तरीके से हमने सारे प्लेस तैयार कर लेने हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें फ्राई कर देते हैं सारे का। एक साइड से ये अच्छे से सीख चुके हैं, इसे पलट देते हैं। अभी अच्छे से सीख चुके हैं दोनों तरफ से, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हमारे कटलेट सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे कटलेट्स बने हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले जाए। तो फिर मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।